बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जो आज आजमगढ़ में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे थे। उन्होंने मंच से सरकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की, लेकिन उस तारीफ को सुनने के लिए वहां भीड़ मौजूद नहीं थी। कार्यक्रम के लिए बड़े मैदान में टेंट भी लगा था, कुर्सियां भी रखवाई गई थी, कूलर पंखे का भी इंतजाम था, लेकिन वहां मौजूद लोग डिप्टी सीएम का भाषण सुनने के बजाय पसीना पोंछते रहे। और ये सब तब हुआ जब डिप्टी सीएम मंच से भाषण दे रहे थे। ये आजमगढ़ के करतालपुर का वो मैदान है जहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 24 की हुंकार भरने पहुंचे थे। ये पूर्वांचल की वो जमीन है जहां से भाजपा के दिग्गज नेता जन समर्थन की तस्वीर दिखाने पहुंचे थे। लेकिन ब्रजेश पाठक की ये कोशिश पूरी तरह फ्लॉप रही, क्योंकि ब्रजेश पाठक तो पहुंच गए लेकिन उन्हें सुनने के लिए जनता नहीं पहुंची। लाल कुर्सी, हरी कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, अधिकतर कुर्सियों पर इंसान तो छोड़िए एक मक्खी भी बैठी हुई नजर नहीं आई। बल्लियों पर भाजपा के झंडे टंगे थे, मंच पर विशाल जनसभा का पोस्टर चिपका था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के लिए आजमगढ़ की जनता में जोश नजर नहीं आया। दाएं देखिए तो सन्नाटा, बाएं देखिए तो सन्नाटा, और जो लोग मौजूद थे भी वो ब्रजेश पाठक की बातों के सिवाय सब कुछ सुन रहे थे। गाड़ियों में भर कर लोग बुलाए गए थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम के भाषण से ज्यादा कूलर और पंखे की हवा अच्छी लग रही थी। हालांकि इतनी फ्लॉप रैली के बाद भी पाठक साहब के हौसलों में कोई कमी नहीं। सभी जाति धर्म वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी पर लगातार बढ़ा है, और कानून व्यवस्था के मामले में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पर है, और सभी लोग एक मत से कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। डिप्टी सीएम मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का बखान करने आजमगढ़ पहुंचे थे, लेकिन चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में उनका प्लान ही फेल हो गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।